हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 5 चैप्टर 5 कंप्यूटर का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विथ ऑल एक्टिविटीज़। एक्टिविटी को भी हम लोग इस सेशन में सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू। Now let us start the chapter 5 is images in a document. है इस chapter में हम लोग basically जितना भी part options पढ़ेंगे open office writer के basis पे पढ़ेंगे। open office writer एक part है open office software का, जो कि एक free software है। और इस chapter में basically images से related जितना भी options होता है writer में, उसके बारे में we are going to learn. learning objective देखिए इस chapter में क्या है। After the completion of this chapter, learners will be able to appreciate and use different font work options. क्या क्या different font work options होता है वो हम लोग सीख जाएंगे इस chapter में when we end. Understand how to use gallery. Gallery option कैसे use किया जाता है ये भी सीख लेंगे. Next, learn to work with pictures. और open office writer में picture में कैसे work किया जाता है वो भी हम लोग इस chapter में, इस session में सीखेंगे. So the first start. Alice was enjoying herself in the party where she learnt about some more features of writer. यहाँ आप देखिएगा एक छोटी सी बच्ची है, little girl है, her name is Alice. इस लड़की का नाम क्या है? Alice. और ये enjoy कर रही है table पे with some writer land persons, different different persons है writer land में. और वहाँ वो क्या कर रही है? Learn कर रही है features of writers. The party is still on. देखिए party is going on, background में आप देखिए party हो रहा है. Alice was busy conversing with Mr. Otto Spell and Miss Speller. Alice किसके साथ बिजी है बात करने में? Otto Spell और Miss Speller के साथ. देखिए ये देखिए Otto Spell और Miss Spell यहाँ पे बैठी है, ठीक है ना। When suddenly she saw Mr. Font, उसी वक्त वो किसको देखी? Mr. Font को approaching towards her. उसी समय में कौन आया? जब वो Mr. Otto Spell और Miss Speller से बात कर रही थी तो उसी वक्त कौन आया? Mr. फॉन्ट आया उसके पास। मिस्टर फॉन्ट, एलाइस, आई होप यू आर हैविंग ए गाला टाइम इन द पार्टी। मिस्टर फॉन्ट क्या बोला? मुझे लग रहा है कि ये भी गाला टाइम है, गाने का टाइम है पार्टी में, गाला टाइम इन द पार्टी। एलाइस, यस इट्स फन। मिस्टर फॉन्ट, व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस? एलाइस, आई वांट यू टू मीट माय सन मास्टर आर्ट। अब मिस्टर फॉन्ट क्या बोल रहा है कि तुम भी क्यों नहीं ज्वाइन करती हो? एलाइस, तुम भी कम, लेट्स ज्वाइन, मैं तुम्हें मिलाता हूँ अपने बेटे जिसका नाम क्या है? मास्टर आर्ट। देखो यहाँ पे एम ए लिखा हुआ है चिल्ड्रन, है ना, मास्टर आर्ट का, ठीक है ना। डू यू नो फॉन्ट वर्क फॉर ग्राफिकल टेक्स्ट आर्ट इज यूज टू क्रिएट 2D एंड 3D ग्राफिकल टेक्स्ट आर्ट ऑब्जेक्ट। इस लाइन को अंडरलाइन कर ले चिल्ड्रन आप लोग, है ना, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको रेड में अभी हम लोग रखते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करना चाहें तो कर ले कि फॉन्ट वर्क ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली यूज फॉर ग्राफिकल टेक्स्ट आर्ट के लिए फॉन्ट वर्क का यूज किया जाता है, 2D एंड 3D ग्राफिकल टेक्स्ट आर्ट ऑब्जेक्ट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। एलाइस, ओह इट्स माय प्लेजर एलाइस, थैंक मिस्टर ऑटो स्पेल एंड मिस स्पेलर एंड फॉलोड मिस्टर फॉन्ट टू द नियर बाई टेबल वेयर सी शॉ ए लिटिल बॉय हु वाज बिजी राइटिंग हिज नेम ऑन द कार्ड। देखिए अब वो मिस टाटा बाय बाय किसको कर दिए? थैंक यू बोल के ऑटो स्पेल और मिस स्पेलर को। और फॉलो किसको किया? मिस्टर फॉन्ट को। क्यों फॉलो किया? क्योंकि उसका एक सन है लिटिल बॉय, उसका नाम क्या है? मास्टर आर्ट। देखिए मास्टर आर्ट इज राइटिंग ऑन द कार्ड ऑन हिज नेम, अपना नाम लिख रहा है इस कार्ड में। एंड एलाइस इज लुकिंग दैट, एलाइस उस चीज को देख रही है जो मास्टर आर्ट लिख रहा है। नाउ हिज हैंड राइटिंग वॉज रियली स्टाइलिश। किसका हैंड राइटिंग स्टाइलिश है आप कमेंट में बताइए। आई थिंक द मास्टर आर्ट, ये जो ड्वार्फ है इसका राइटिंग बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होता है। जैसे क्लास में हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग और स्टाइल होता है, उसी तरह कंप्यूटर में ओपन ऑफिस राइटर में सबका क्या होता है? बहुत सारा वे ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। एलाइस वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज टैलेंट एंड वॉन्टेड टू लर्न अबाउट इट। एलाइस क्या हो गए? इम्प्रेस्ड हो गए इसका टैलेंट को देख के, और वो भी इस चीज़ को अब सीखना चाहती है ना। मास्टर आर्ट was that he has a set of tools. Master had told Elias that he has a set of tools. ठीक है, Master had क्या बताया Elias को कि इसके पास set of क्या है? Tools.
which help him to work on fonts and create graphical text, art and objects. Okay, he then explained all tools in detail. फिर वो जितना भी tools है Elias को समझाने लगा. Master Art बोलता है, before going on to depth, I would like to show you a sample of what I have created using Fontwork toolbar. तो Master Art is saying कि तुम इसमें समझने से पहले मैं तुम्हें कुछ sample दिखाना चाहता हूँ जो मैंने Fontwork toolbar से बनाया है. Elias is saying, oh, they are really nice. Master Art, you can also write the text in any style of your choice. Master Art क्या बोलता है Elias को कि तुम और भी अच्छे स्टाइल में किसी भी स्टाइल में टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो यूजिंग आर्ट ऑप्शंस, है ना, फॉन्ट वर्क ऑप्शंस. Elias, but where can I find this option in Writer? अब Elias पूछेगी कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये तो आप बता दे रहे हो कि हाँ हाँ यहाँ मिलेगा ऑप्शन, इसमें बहुत सारा स्टाइल ऑफ योर चॉइस है. Now, explain the difference between 2D and 3D objects to the students. 2D और 3D objects student मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब when we start Writer. Now, party time, let's dance and have fun, Master Art Writer Land. देखिए क्या बनाया, कितना beautiful drawing बनाया है Master Art ने, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने लिखा है party time, let's dance and fun, Master Art Writer Land. ये भी हम लोग भी इसको बनाने का कोशिश करेंगे अभी इस वीडियो में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. टू क्रिएट ए फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट फॉलो द स्टेप्स बिलो लिस्टेड बिलो. कैसे करना है फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्यू ऑप्शन में जाना होगा. व्यू से आप कहाँ जाओगे, टूल बार, देन फॉन्ट वर्क टू इनेबल द रिक्वायर्ड टूल बार. देखिए यहाँ पे व्यू में है, टूल बार में है, देखिए फॉन्ट वर्क कितना अच्छा से बुक ने समझाया, वेरी नाइस बुक. देखिए बुक में कितने ढंग से बताया, सर्किल्ड भी कर दिया ऑप्शन को. ना ऑन द फॉन्ट वर्क टूल बार क्लिक द फॉन्ट वर्क गैलरी, वहाँ पे आप फॉन्ट वर्क गैलरी पे क्लिक कर सकते हैं. फॉन्ट वर्क टूल बार खुला, यहाँ पे आप किस पे क्लिक करोगे, फॉन्ट वर्क गैलरी ऑप्शन, ये वाला है. नाउ यू विल फाइंड मेनी डिफरेंट वर्क फॉन्ट वर्क स्टाइल्स इन द डायलॉग बॉक्स. बहुत सारा फॉन्ट वर्क आपको दिखेगा. फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट वर्क स्टाइल एंड क्लिक ओके. द फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट विल बी इंसर्टेड इन टू द डॉक्यूमेंट. चलिए ये वाला हम लोग भी खोल के देखते हैं. उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ सर्च करेंगे, देख लीजिए स्टेप कैसे राइटर ओपन होता है. सर्च बार में जाएंगे, ये विंडोज 10 है चिल्ड्रेन मेरे पास जो है, यहाँ पे आप राइटर लिखोगे, राइटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए. जैसे ही आप राइटर लिखोगे यू विल सी दैट द ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी राइटर ऐप इज देयर. क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक कर लेना आप, लेकिन ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए. अगर आपके पास नहीं है सिस्टम तो मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से यू कैन ईजिली डाउनलोड दैट सॉफ्टवेयर. चलिए अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है हमारा. एक्चुअली हम लोग ये वाला फॉन्ट वर्क गैलरी ओपन करेंगे, तो इसका ऑप्शंस आपको तो यहाँ पे दिया हुआ है ना. ये देखिए राइटर हमारा खुल गया है. अब हम लोगों को कहाँ जाना है, देखिए बुक में हम लोग जैसा कि अभी पढ़ ही रहे हैं, बुक क्या बोला है हम लोगों को कहाँ जाने के लिए बोला है. सबसे पहले फिर से देखिए, व्यू में व्यू से टूल बार, टूल बार से फॉन्ट वर्क. चलिए हम लोग भी करते हैं, व्यू में गए हम लोग, टूल बार्स में गए हम लोग, और यहाँ पे फॉन्ट वर्क, ये देखिए फॉन्ट वर्क का ऑप्शन है, ये प्रैक्टिकल भी साथ में बता रहे हैं आप लोग. क्लिक ऑन दैट, देखिए क्लिक किया तो ये वाला ऑप्शन, देखिए ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा. थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं या जूम कर लेते हैं, ठीक है ना. यू कैन सी ये जो ऑप्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं फॉन्ट वर्क गैलरी ऑप्शन, जो बुक में बता रहा था. क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक करोगे तो यू विल सी दिस ऑप्शन जो आपको यहाँ पे बुक में बताया गया. ये आई होप एवरी वन इज गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आ रहा होगा, जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं. ये देखिए पॉइंट आपका यहाँ पे ये वाला खुल गया. इसके बाद क्या बोल रहा है, द फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट विल बी इंसर्टेड इन टू द डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक द ऑब्जेक्ट टू एक्टिवेट टेक्स्ट एडिट. अब डबल क्लिक करना होगा, ओके करने के बाद क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, रिप्लेस द डिफॉल्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट विथ योर ओन टेक्स्ट एज सोन इन द फिगर एंड देन एस्केप की टू एग्जिट टेक्स्ट एडिट मोड. चलिए हम लोग भी करके देखते हैं. चलिए सपोज इसी ऑप्शन को हम लोग लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, आ गया. अब बोलता है यहाँ फॉन्ट वर्क की जगह आपको अपना नाम अगर लिखना है तो इस पर डबल क्लिक करना होगा. तो डबल क्लिक किए तो देखिए आप यहाँ पे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा होगा, यहाँ फॉन्ट वर्क लिखा है, इसको इरेज करते हैं हम लोग. देखिए इरेज हो रहा है. यहाँ हम लोग लिखते हैं क्लास फाइव ऑल
स्टूडेंट्स, ऑल बेस्ट स्टूडेंट्स, सपोज हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्लास फाइव ऑल बेस्ट स्टूडेंट्स। लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, स्केप की दबाने बोला। देखिए स्केप की दबाएं तो ये देखिए आपका जो क्लास फाइव ऑल बेस्ट स्टूडेंट है ये आ चुका है। इस तरह से हम लोग इसको ट्रैक कर सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट राइट है ना। तो ये आपका एक ऑप्शन से हम लोग क्या किए, फॉन्ट वर्क का यूज़ किए, राइट क्लिक करके चेंजेस भी और कर सकते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट रिप्लेस हो गया। एलाइज दैट सीम्स टू बी सिंपल बट आई डोंट लाइक द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट। ऑब्वियस है ये कलर जो है, मैंने भी जो लिया है कलर, ये कलर कुछ खास नहीं लग रहा, ब्लैक कलर है ना। एलाइज भी वही बात बोल रही है। इज देयर एनी वे टू चेंज इट मास्टर आर्ट, यू कैन नॉट ऑनली चेंज द कलर बट मेनी अदर प्रॉपर्टीज है। तुम चेंज इतनी नहीं कर सकते, बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है जो तुम चेंज कर सकते। आइए टू एडिट फॉन्ट वर्क एट्रीब्यूट्स, क्लिक द फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट। फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इफ द फॉन्ट ऑब्जेक्ट इज इंसर्टेड इन द बैकग्राउंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिक। अब क्या बोल रहा है, आपको पहले फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट पे पहले क्लिक करना होगा। अगर फॉन्ट वर्क ऑब्जेक्ट इंसर्टेड है बैकग्राउंड में तो होल्ड डाउन करना होगा कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिक। नाउ सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टू, यू कैन चेंज द लाइन वेट, लाइन कलर, फिल कलर, स्टाइल एंड एवरी थिंग। ठीक है, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग इसके साइज को छोटा कर लिए। अगर एक मिनट चल ना, अब यहाँ पे आगे क्या हम लोगों को दिया हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। नाउ सेलेक्ट द प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, देन बैकग्राउंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिक। नाउ नाउ कंटिन्यू विद द सेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस पे राइट क्लिक करोगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जैसे एरिया, इसका फिल कलर एरिया है। इसको अगर हम चाहते हैं ग्रीन करना तो यू कैन पुट ग्रीन कलर, ओके कर देंगे, ग्रीन कलर हो जाएगा। सिमिलरली राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करना, ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे आएगा। ये देखिए चेंजेस आ रहा है। सिमिलरली राइट क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट इसका हम लोग सेट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट है, एंकरिंग है, पोजिशन एंड साइज है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेशंस चेंज कर सकते हैं। देखिए ब्लिंकिंग में, देखिए अगर हम लोग ब्लिंक कर देते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन होता है। ठीक है, अभी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, इफेक्ट इसमें ब्लिंकिंग वाला, दूसरा चेंज करके हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन, टेक्स्ट एंड स्टार्ट इनसाइड, टेक्स्ट इनसाइड व्हेन एडिटिंग एंड ब्लिंकिंग करके देखते हैं हम लोग। वर्क नहीं कर रहा चिल्ड्रन, देयर इज प्रॉब्लम आई थिंक। एरिया कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो है, शेडो यूज शेडो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ओके करते हैं, देखिए शेडो आ रहा है। फिर राइट क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए बहुत सारा इसका ऑप्शन है चिल्ड्रन, है ना। एरिया में जाएंगे, शेडो के बाद ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी शो कर सकते हैं, ग्रेडियंट शो कर सकते हैं, लीनियर है, एक्सियल देखिए इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एक्सियल में थोड़ा सा चेंजेस हो जा रहा है, ये देखिए कैसा चेंजेस आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है, आप अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं सिर्फ क्लास फाइव, तो थोड़ा और क्लियर लगेगा चिल्ड्रन आप लोगों को। ठीक है, ये क्लास फाइव लिख दिए हम, स्केप बदलने बाद देखिए क्लास फाइव ये ज़्यादा विजिबल है आई थिंक। अब राइट क्लिक कर सकते हैं, और भी एरिया में यहाँ पे कलर्स है, यहाँ कलर ग्रीन है, कलर आप मैजेंटा कर दो, है ना। यहाँ पे मॉडिफाई रेड ग्रीन ब्लू दिया हुआ है, ग्रेडियंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए चेंजेस कितना सारा दिया हुआ है ग्रेडियंट्स, है ना। इसको अगर ओके करते हैं तो देखिए कैसा चेंजेस आता है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं यूजिंग ओपन ऑफिस राइटर। ये फॉन्ट वर्क का कमाल। अगर मान लो क्लास वेलकम आपको लिखना था, लिख सकते हो आप ये सब ग्रेडियंट्स का यूज़ करके। पोजीशन एंड साइज में भी कुछ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, कैरेक्टर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। रोटेशंस आप देख सकते हो, स्लैंट एंड कॉर्नर रेडियस, ये सब चेंज करने से क्या होगा, ये सब जैसे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ओके करके देखते हैं, देखिए क्या चेंजेस हो रहा है, देख रहे हैं। तो ये सारा आप लोग अप्लाई करेंगे, होप इट इज़ क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट,
लेट मी टेल यू द यूज ऑफ द अदर आइकन्स और टूल्स. अब ये ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं. इन एडिशन टू द फॉन्ट वर्क गैलरी आइकन दिस टूल बार कंटेन्स द फॉलोइंग एक्शन. फॉन्ट वर्क शेप, पहला कौन सा है? फॉन्ट वर्क शेप है. इज यूज टू चेंज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. चलिए फॉन्ट वर्क शेप से हम लोग शेप को चेंज करते हैं. ये है, अब यहाँ पे देखिए शेप दिया हुआ है, देखिए है ना. सपोज हम लोग इस शेप पे चाहते हैं तो इस शेप को अप्लाई करते हैं, देखिए चेंज हो गया ना. सपोज ये अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है शेप तो आप ये ये वाला देखिए है, ये चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, ये शेप का हो. नेक्स्ट है फॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट्स, चेंजेस द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन द ऑब्जेक्ट. टॉगल्स बिटवीन नॉर्मल हाइट, सम कैरेक्टर टॉलर देन अदर्स, फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर DHL एंड अदर एंड ऑल लेटर द सेम हाइट. अब सेम लेटर हाइट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सेम लेटर हाइट. ये देखिए सबका हाइट सेम हो गया, ठीक है. अगर इसका शेप को आप चेंज करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है. ये देखिए सिंपल वाला कहीं पे शेप अगर होता है तो हम लोग देख लेते हैं. देखिए सबका हाइट आपका क्या है, सेम है. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज फॉन्ट वर्क सेम लेटर हाइट के बाद फॉन्ट वर्क अलाइनमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट. ये जरूर पढ़े, इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से. अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई स्ट्रेच जस्टिफाई, ये चार ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है सॉरी. टू सी द इफेक्ट ऑफ द टेक्स्ट अलाइन वी नीड टू टाइप द टेक्स्ट टू स्पैन ओवर टू और मोर लाइंस इन द स्ट्रेच विद जस्टिफाई मोड ऑल द लाइंस आर फिल्ड कंप्लीटली. चलिए हम लोग इसको भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं. जैसे ये अगर हमारे पास है, ठीक है, इसका थोड़ा सा हम लोग साइज को पहले छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा साइज हो गया है, ठीक है. अब अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग. ये अलाइनमेंट वाला ऑप्शन अभी ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट चिल्ड्रन. फॉन्ट वर्क अलाइनमेंट, नेक्स्ट इज फॉन्ट वर्क कैरेक्टर स्पेसिंग. दिस इज यूज टू सेलेक्ट द डिजायर्ड स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर. कैरेक्टर के बीच में अगर स्पेसिंग करना है तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट वर्क कैरेक्टर स्पेसिंग का यूज करेंगे. फॉर कस्टम स्पेसिंग 100% इज नॉर्मल स्पेसिंग, लेस देन 100% इज टाइट स्पेसिंग, मोर देन 100% इज एक्सपेंडेड स्पेसिंग, ठीक है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टाइट नॉर्मल लूज वेरी लूज कस्टम द स्टैंडर्ड वेयर कैरेक्टर स्पेसिंग टू लो बार इज, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग स्पेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो दिया हुआ है वो एक्टिविटी दिया हुआ, लिस्ट थ्री मेन एरियाज वेयर फॉन्ट वर्क ऑप्शन कैन बी यूज. तो मैंने लिखा टू मेक बैनर, टू मेक इन्विटेशन कार्ड एंड टू मेक पॉम्पलेट्स. नाउ मास्टर आर्ट आस्क एलाइज टू ओपन डॉक्यूमेंट हैंड्स ऑन एंड राइट हर नेम इन डिफरेंट स्टाइल. अब क्या हुआ, मास्टर आस्क किससे पूछ रहा है, एलाइज को, कि आप डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए हैंड्स ऑन एंड राइट हर नेम इन द डिफरेंट स्टाइल. नेम को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में लिखो. ज्वाइन लाइज इन दिस लैब एक्टिविटी एंड टाइप योर नेम इन डिफरेंट स्टाइल. तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं तो चलो नाम लिख ही सकते हो यूजिंग फॉन्ट वर्क. जैसे अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, अभी ये हमारा डिलीट हो गया. तो ये फॉन्ट वर्क से लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस जाना है टूल्स में और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कहाँ पे व्यू में जाना है और फॉन्ट वर्क पे क्लिक कर देना है. अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए नाम है, इस पर क्लिक किए. अब इस पर सपोज हम लोग को नाम लिखना है, डबल क्लिक करेंगे, लिखते हैं सपोज टेक्निकल आसिफ और उसके बाद एस्केप बटन दबा देते हैं. देखिए आ गया टेक्निकल आसिफ. तो डिफरेंट डिफरेंट नेम करना है आपको, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, कुछ ग्रेडियंट्स यूज़ करना है. सपोज हम लोग येलो या पिंक ग्रेडियंट्स यूज़ कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर है इसको एक्सियल बना सकते हैं, है ना. 45 डिग्रीज है तो इसको कम कर सकते हैं, 15 डिग्रीज पे कर सकते हैं और ओके कर देंगे, ठीक है.
ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने कार्ड के लिए, इनविटेशन कार्ड बनाओगे। माउस से लेफ्ट और राइट मूव भी कर सकते हैं, है ना। क्या चिल्ड्रन, इसके साइज़ को छोटा बड़ा करना, तो यहाँ हैंडल दिया हुआ है, देखिए इससे आप इसको थोड़ा सा पुशअप कर देंगे इनवर्ड्स, तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो वेलकम आपको लिखना है ऊपर में डिजाइन में, तो आप लिख सकते हैं कार्ड के लिए। देखिए इतना ब्यूटीफुल आया, शेप आपका यहाँ से चेंज हो ही जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं आप, इस तरह से भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से भी चेंज हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैच द फिगर गिवन बिलो विद द करेक्ट फॉन्ट वर्क टूल बार ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट वर्क एलाइस फर्स्ट वाला किससे मिलेगा, वन कैरेक्टर स्पेसिंग, देखिए यहाँ पे स्पेसेस है, एलाइस ये फॉन्ट स्टाइल है, आप देख लीजिए, फिर एलाइस ये सेम लेटर हाइट से तीन नंबर, और ये एलाइस ये फॉन्ट शेप। ये आप एक्टिविटी कर लीजिए चिल्ड्रन अपने बुक में। व्हाइल एलाइस वाज बिजी राइटिंग हर नेम एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फॉन्ट वर्क ऑप्शंस, देयर केम ए थिन ड्वार्फ हु वाज वेयरिंग मल्टी कलर्ड जैकेट एंड वाज कैरिंग ए स्मॉल डिजिटल कैमरा, ठीक है। He was carefully looking at their work and soon he started clicking their photographs. Elise was quite happy to see her lovely photographs. अब उसी वक्त में कौन आ गया है, कोई फोटोग्राफर आ गया बोना ड्वाफ, और वो इन लोगों का फोटो लेने लगा। मास्टर आर्ट जो कि सन है किसका, फॉन्ट वर्क का, और एक नया ड्वार्फ आया है जो फोटो ले रहा है ना अपना डिजिटल कैमरा से। Elise very happy. Why? Because of the photographs. Lovely photographs. Elise was quite happy to see her lovely photographs. She went close to him and said, Mr. Photographer, can I have this picture please? तब वो गई फोटोग्राफर के पास और बोली, क्या ये पिक्चर मुझे मिल सकता है। किसको बोली, तो हम, तो वो जो फोटोग्राफर है उसको बोली, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बट आई एम नॉट मिस्टर फोटोग्राफर। लेकिन वो क्या होता है, यहाँ मैं दे दूंगा लेकिन मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ लिटिल गर्ल, माई नेम इज मिस्टर पिक, मतलब फोटोग्राफर का नाम क्या है, मिस्टर पिक, एंड दिस इज माई फेवरेट पास्ट टाइम है, ये मेरा सबसे अच्छा पास्ट टाइम है, आई लव वर्किंग विद पिक्चर्स। हु सेड, मिस्टर पिक सेड, आई लव वर्किंग विद पिक्चर्स। एलाइस, नाइस मीटिंग यू मिस्टर पिक, माई सेल्फ एलाइस, यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू डू इन द राइटर लैंड, तुम राइटर लैंड में क्या कर रहे हो। व्हाई नॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। यही है मिस्टर पिक, ये आपका कौन है चिल्ड्रेन, मिस्टर पिक। यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिख दें मिस्टर पिक, ही इज मिस्टर पिक। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मिस्टर पिक, आई एम यूज्ड फॉर इंसर्टिंग पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट। मिस्टर पिक बोल रहा है मैं किस लिए यूज होता हूँ, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। एलाइस, व्हाई डू वी रिक्वायर पिक्चर्स इन आवर डॉक्यूमेंट मिस्टर पिक। तो एलाइस इज सेइंग, नाउ एलाइस, व्हाई डू वी रिक्वायर पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट मिस्टर पिक, इन आवर डॉक्यूमेंट मिस्टर पिक। मिस्टर पिक क्या बोलते हैं, पिक्चर्स हेल्प्स टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट वी हैव रिटन इन आवर डॉक्यूमेंट एंड मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। एलाइस बोलते पिक्चर डालने का क्या जरूरत है टेक्स्ट में, तो पिक्चर डालने का बेनिफिट क्या है ये बताया मिस्टर पिक ने, कि इट विल हेल्प टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट को और अच्छे से इलस्ट्रेट करने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पिक्चर। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर से हम लोग को थोड़ा अट्रैक्टिव मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ड्वार्फ है, एलाइस है, मिस्टर पिक है, आर्ट है ना, तो पिक्चर क्या करता है, और भी आपका जो स्टोरी है उसको ईजीली वे में एक्सप्लेन कर सकता है। नो एलाइस, बट डू हाउ डू वी डू दैट, लेकिन हम लोग ये कैसे करेंगे मिस्टर पिक, सिंपल फॉलो दीज स्टेप, आपको ये स्टेप्स फॉलो करना होगा। क्या स्टेप्स है, टू इंसर्ट पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट यू हैव टू ओपन द डॉक्यूमेंट इन विद द पिक्चर इज टू बी इंसर्टेड एंड क्लिक एट द रिक्वायर्ड प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द इमेज टू अपीयर, क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। कहाँ जाना होगा, इंसर्ट, इंसर्ट से फिर जाएंगे हम लोग पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर से फ्रॉम फाइल। ये 9-10 में भी राइटर पढ़ना है चिल्ड्रन, आप भी देख सकते हैं 9-10 के चिल्ड्रन भी कि राइटर में पिक्चर कैसे इंसर्ट करता है, इसका स्टेप्स 1 मार्क्स में आता है, 9-10 के चिल्ड्रन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 में भी है ये, 5 में भी है ये, ठीक है।
तो इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल ऑप्शन, देन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स में नेविगेट कीजिए कौन सा पिक्चर आपको क्लिक करना है और देन क्लिक ऑन ओपन बटन। ये देखिए एक पिक्चर है यहाँ पे, इसने सेलेक्ट किया है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स से, ये ओपन का बटन है और पिक्चर आ गया। यू कैन सी द सेलेक्टेड पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, लाइक दैट इज रियली सिंपल पिक मिस्टर पिक्सो, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस यू ऑन यू ओन। चलिए हम लोग भी एक बार ट्राई करते हैं, आइए राइटर में, और अब हम लोग एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं, है ना चिल्ड्रन। चलिए इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फ्रॉम फाइल में जाएंगे। फ्रॉम फाइल में गए, जैसे ही करेंगे तो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए आपके पास डाउनलोड्स का ऑप्शन है, मेरे पास पिक्चर डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड्स पे क्लिक किए और यहाँ पे कंप्यूटर 1234 नाम से मैंने पिक्चर रखा है, इस पर कोई भी एक पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक करने के बाद देखिए ये ओपन का बटन आपको दिख रहा है, इस पर ओपन पे क्लिक कर देना, होप द पिक्चर विल इंसर्ट। देखिए मैंने पिक्चर क्लिक करके रखा था डाइनिंग वाला, ये देखिए पिक्चर आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का हैंडल्स दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 3 8 हैंडल्स होता है ग्रीन कलर का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में। इसको सेलेक्ट करके हम लोग इसके साइज को छोटा कर सकते हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, यू कैन सी। ये थोड़ा हम लोग फॉन्ट वर्क को नीचे ले जाते हैं, टेक्निकल आसिफ जो पहला एक्टिविटी है हमारा, है ना। देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गया, होप यू गेटिंग दिस, है ना। कलर आप यहाँ से चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं कुछ भी, है ना। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट ग्रे स्केल, देखिए ग्रे स्केल में हो गया, ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो गया, देख रहे हैं ये सब कोई नहीं बताएगा। वाटर मार्क चाहते हो तो वाटर मार्क की तरह आ गया इमेज, डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट आ गया, फिर से देख लीजिए ग्रे स्केल ब्लैक एंड वाइट, ये देखिए, है ना। इस तरह से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, आगे बुक में हम लोग पढ़ेंगे ही ना। ये हम लोग साथ में प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं चलो, किसी किसी ऑप्शन पे, जैसे कि कुछ एक ऑप्शन पहले आया था हमारा स्पेसिंग वाला, ठीक है, सेम लेटर हाइट्स वाला, है ना। तो कुछ कुछ ऑप्शन कहीं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम करता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसको छोड़ना नहीं। जैसे एक जगह प्रॉब्लम हुआ था उसको मैं बताऊंगा ना। एलाइज दैट इज रियली सिंपल ना, मिस्टर पिक आस्क्ड एलाइज टू ओपन द फाइल हैंड्स ऑन एंड ट्राई इंसर्टिंग द पिक्चर, जस्ट क्लिक्ड इन द पार्ट इनसाइड द document, last tried a lot but was not able to do it using the above step. What went wrong, explore writer and help allies find the way out. अब कुछ पिक्चर बोल रहा है मिस्टर पिक कि तुम इंसर्ट करो पार्टी का डॉक्यूमेंट में, लेकिन allies से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ट्राई इंसर्टिंग सम पिक्चर ऑफ योर चॉइस इन द डॉक्यूमेंट, ask children to get the picture of their family members and insert it into the document hands on, give it an attractive heading as family tree using fontwork style. फॉन्ट वर्क स्टाइल का यूज करके आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग किए हैं, तो इसको अगर हम लोग चेंजेस कर लें और ये डिफ़ॉल्ट कर ले। अब यहाँ पे फॉन्ट वर्क का ऑप्शन, आप लोग व्यू में जाएं और यहाँ पे टूल बार में जाएंगे और यहाँ से फॉन्ट वर्क पे जाएंगे, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट नाम्स के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके कर दें, है ना। ये तो काफ़ी बड़ा साइज़ आ रहा है, अब यहाँ पर हम लोग इसको साइज़ को नाम को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सपोज एलाइस, ठीक है एलाइस, और एस्केप बटन दबाते हैं, देखिए एलाइस आ गया ना, है ना, ये वाला पहले वाला डिलीट कर दिया, देखिए एलाइस नाम आ गया। अब इसके साइज को आप छोटा कर लीजिए और इसको फैमिली ट्री बनाना होगा तो आप एक ब्यूटीफुल ड्राइंग बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एलाइस कौन है, आई थिंक सी इज एलाइस, एक मिनट, ये इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं एलाइस को, है ना। फैमिली ट्री बनेगा तो सबका पिक्चर आप इंसर्ट करो और एक एक करके, अब देखिए ये हैंडल से हम लोग इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए छोटा हो गया और ये क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है अलाइनमेंट, सॉरी ऑप्शन से ना। नेक्स्ट है अलाइस मिस्टर पिक, दिस पिक्चर इज टू बिग, कैन वी चेंज इट्स साइज मिस्टर पिक, व्हाई नॉट यू कैन चेंज द पिक्चर साइज ऑफ दिस पिक्चर एज पर चॉइस। You can also reduce or even enlarge it both horizontally and vertically. To resize any picture, first method क्या है, click the picture you need to resize, then choose picture option from format menu, ठीक है। Format picture dialog box आपका खुल जाएगा, format picture dialog box में जाने के बाद size options आपको दिखेगा increase और decrease का, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं विड्थ और हाइट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाना होगा, पिक्चर पे क्लिक करना होगा, फिर फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट मेनू से फिर साइज ऑप्शन में, पिक्चर में, पिक्चर से फिर साइज ऑप्शन। चलिए हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक हैंडल्स के थ्रू बताया था, अब यहाँ पे आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए साइज आपको दिया हुआ होगा, यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, विड्थ हो गया और ये हाइट, ये थोड़ा हम लोग बढ़ा दिए और जो भी है देखते हो ओके करके देखें, विड्थ आपका बढ़ गया, हाइट कम हो गया। तो ये कैसे हुआ, हम लोग चेंजेस किए, फॉर्मेट में गए और पिक्चर ऑप्शन में गए और इसको कम बेसी करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिया हुआ, नेम दे सकते हो, रैप अप कर सकते हो उसको टेक्स्ट के साथ, ठीक है, बिफोर, ऑप्टिमल, थ्रू, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, पिक्चर्स में वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर सकते हैं, देख रहे हो कैसे चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, लेफ्ट ऑफ द इमेज कर सकते हैं, ऑन राइट साइड कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, देखिए देखिए कुछ कुछ लोग देखिए देखिए देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है ना, यहाँ देखिए देखिए बढ़ रहा है, ये इधर से हो रहा है, राइट से, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, टॉप से देखिए, अब ये ऊपर की तरफ देखिएगा चेंजेस होगा, क्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए ये नीचे की तरफ से है ना, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ये देखिए इससे हम लोग क्रॉप करते हैं कुछ, ये देखिए ये थोड़ा सा क्रॉप करके देखते हैं लेफ्ट से भी और राइट से भी, है ना, ये थोड़ा सा हम लोग क्रॉप कर लिए और ओके करते हैं, देखिए चेंजेस हो गया ना क्रॉप हो करके। फिर चेंजेस करना, फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और पिक्चर में जा करके ये देखिए ऑन राइट है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हटा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा इमेज, क्रॉप हो करके हो चुका है। चलिए बहुत ऑप्शन है, आप ट्राई करिए चिल्ड्रन, ठीक है। क्रॉपिंग का मतलब होता है, क्रॉपिंग इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन फ्रॉम एनी पिक्चर। ये कॉपी में आप लिखे नोट्स के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अनवांटेड पोर्शन होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग रिमूव किए थे, जैसे अगर इस पिक्चर को भी हम कर लिए, ठीक है, इतना बड़ा कर लिए, अब हम चाहते हैं कि मिस्टर पिक को हटा देना चाहते हैं, तो कैसे क्रॉप करेंगे, बस इसमें क्लिक किए, फॉर्मेट में गए, क्रॉपिंग के लिए पिक्चर में गए, क्रॉप ऑप्शन में गए और यहाँ से हम लोग क्रॉपिंग कर देते हैं, ये देखिए है ना, ये देखिए लेफ्ट से और ये राइट से, ये देखिए क्रॉप कर दिए, हट गया ना मिस्टर पिक का फोटो, तो क्रॉपिंग इज टू रिमूव अनवांटेड एरिया। चलिए आगे आते हैं बुक में हम लोग, बहुत देर लग जाएगा नहीं तो। सेकंड मेथड, यू कैन ऑल्सो रिसाइज द पिक्चर बाय ड्रैगिंग द ग्रीन हैंडल्स इन और आउट। तो हम लोग यही ग्रीन हैंडल, ये वाला जो ग्रीन हैंडल है चिल्ड्रन, ये इसी को ग्रीन हैंडल बोलते हैं, ये देखिए है ना, इससे बड़ा और छोटा हम लोग कर सकते हैं। By selecting keep ratio option, you can change the size of the picture in proportion both horizontally and vertically. Horizontally resizing means changing the width of a picture, underline कर लिया, and vertical resizing means changing the height of the picture. Horizontal से width होता है, vertical से height होता है. Set the same size for each picture in the family tree designed by you. और भाई family का tree आप बना सकते हो, सबका फोटो कीजिए मोबाइल से और अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके फॉन्टवर्क गैलरी से width वाले ही फैमिली ट्री बनाइए। Alice, can I do any other editing in my picture, Mr. Pick? Yes, you can. We can remove any part of the picture we don't like by cropping it. हम लोग रिमूव कर सकते हैं बिना क्रॉप किए। To crop any picture, click the picture you need to crop. Choose picture from format menu and format picture dialog box open using the option of crop tab. देखिए crop tab option है that you can edit the picture. The two main options in this table are keep scale. Maintains the original scale of the graphic when you crop so that only the size of the graphic changes. Keep image size, maintains the original size of the graphic when you crop so that only the scale of the graphic changes. To reduce the scale of the graphic, select this option and enter negative values in the cropping boxes. Original returns the selected graphics to its original size. Or original we karenge yahan pe click to original size. Realize Mr. Pick, now I can resize any picture but What if I want to add some text along with my picture? अब यहाँ पे पिक्चर के साथ आपको टेक्स्ट भी ऐड करना था। ये फॉर्मेट वाला जो ऑप्शन था मैंने क्रॉपिंग बता दिया है चिल्ड्रन आपको। कीप स्केल और कीप साइज जो है वो आपका
स्केल आपका साइज हाइट वेट तो उतना ही रखेगा, और कीप इमेज में इमेज का साइज एज इट इज रखा जाएगा इसको अगर बढ़ाएंगे तो, ठीक है। ओरिजिनल साइज पे कर देंगे तो ये ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, इसको बढ़ाने घटाने के बाद अगर ओरिजिनल साइज आपको चाहिए तो यहाँ आ जाएगा। ये सब ऑप्शंस आप ट्राई करोगे चिल्ड्रन तो समझ में आएगा। इसको बताने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा चैप्टर, आपके लिए खुद से नहीं ये सब एक्टिविटी आप थोड़ा ट्राई करें तो यू विल गेट ना। अब इमेज में टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, टू ओपन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स, चलिए मिस्टर बाबू दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्वाइट ऑफन यू नीड टू ऐड द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विथ योर पिक्चर। टेक्स्ट ऐड करना मतलब क्या है, पिक्चर में टेक्स्ट ऐड करना, डिस्क्रिप्शन ऐड करना। यू कैन सिंपली टाइप द टेक्स्ट एंड रैप इट अलॉन्ग विद द पिक्चर आइदर थ्रू ए पिक्चर डायलॉग बॉक्स और रैप ऑप्शन अवेलेबल इन प्रॉपर्टीज। चलिए सेलेक्ट द पिक्चर, क्लिक ऑन फॉर्मेट पिक्चर, रैप ऑप्शन पे जाना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग रैप में जाने के बाद सेलेक्ट द सेटिंग एज डिजायर्ड बाय यू एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। द सिक्स रैपिंग स्टाइल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, नन बिफोर आफ्टर पैरेलल थ्रू ऑप्टिमल। चलिए हम लोग भी करके देखते हैं इस चीज़ को, है ना। पहले पिक्चर में जाते हैं हम लोग, ये पिक्चर हमारा, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाने के बाद रैप ऑप्शन में जाएंगे। देखिए ये आपका इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, रैप ऑफ पेज और रैप ऑप्टिमल पेज रैप, है ना, इन बैकग्राउंड ये सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो पिक्चर, अब पिक्चर से रैप जाने बोला तो चलिए पिक्चर से ही रैप जाते हैं, फॉर्मेट पिक्चर और पिक्चर से ये हम लोग रैप ऑप्शन दिख रहा है आपको, रैप में चले गए। देखिए नन बिफोर आफ्टर पैरेलल थ्रू ऑप्टिमल आपको दिख रहा है ना। अब क्या करने के लिए बोल रहा है, रैपिंग स्टाइल्स हम लोग देख लिए, ऑप्टिमल सारा, रैप सेटिंग्स आफ्टर कर देंगे, क्या कर देंगे आफ्टर, देखिए तो कुछ है आफ्टर, आफ्टर में क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, माय नेम नेम इज एलाइस, ठीक है। ये देखिए ऐड हो गया पिक्चर के बाद ना। राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड देयर रिलेशन विथ यू इन द फैमिली टू डिजाइन अर्लियर, ट्राई डिफरेंट ट्रैपिंग स्टाइल एंड सी द इफेक्ट। इसको डिफरेंट ट्रैपिंग स्टाइल्स आपको अप्लाई करना होगा ना, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे भी रैप ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करोगे पेज रैप करोगे तो देखिए इधर साइड चला गया, राइट क्लिक टेक्स्ट आपका लेफ्ट में चला गया, फिर रैप ऑप्टिमल पेज रैप करेंगे तो देखिए कहाँ यहीं पर रह गया है, और फिर और भी रैप ऑप्शंस हैं आपके पास, इन बैकग्राउंड करते हो तो देखिए बैकग्राउंड में करने से ये आपके अंदर चला गया, देख रहे हैं। यहाँ से आप लोग एलाइज को यहाँ पे ला सकते हैं कि ये एलाइज है, ये पेज को यहाँ इसके ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर पेज को हम ऐसे ले जाएँ तो देखिए माई नेम इज़ एलाइज आपको दिख रहा है ना, टेक्स्ट जो है आपका इमेज के अंदर चल जाएगा, कौन सा रैप बैकग्राउंड करें, ठीक है। एडिट काउंटर भी बहुत सारा ऑप्शन है चिल्ड्रन, ये अब आप ट्राई करना है ना। नेक्स्ट एलाइज जस्ट लाइक वी कलेक्ट पिक्चर्स इन फोटो एल्बम, सिमिलरली इज देयर एनी वे बाय विच वी कैन स्टोर डिफरेंट पिक्चर परमानेंटली विद अस एंड यूज देम व्हेनेवर वी वांट। एलाइज हैड जस्ट फिनिश्ड क्वेश्चनिंग व्हेन शी हर्ड मिस्टर पिक कॉलिंग समवन, सून ए स्वीट लिटिल लेडी केम एंड स्टूड नियर मिस्टर पिक, है ना। एलाइज बोल रही है पिक्चर क्या जैसे एल्बम में रखते हैं उसी तरह क्या कोई तरीका है कि डिफरेंट पिक्चर को हम परमानेंटली स्टोर करें। एलाइज वो जस्ट फिनिश्ड किया, एलाइज हैड जस्ट फिनिश्ड क्वेश्चनिंग, फिनिश्ड की उसी समय उसने किसने हर्ड किया, मिस्टर पिक कॉल कर रहा है किसको, समवन, सून उसी समय में कौन आया, एक स्वीट लिटिल लेडी कम एंड स्टूड नियर मिस्टर पिक, मिस्टर पिक इंट्रोड्यूस हर टू एलाइज एज हिज वाइफ, या देखिए ये मिस्टर पिक की वाइफ यहाँ पे आ चुकी है ना, एलाइस से मिलने। मिस्टर पिक एलाइस माय वाइफ इज गोइंग टू गिव आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, मिस गैलरी इसका नाम क्या है, देन बिगिन टू आंसर हर क्वेश्चन, यानी कि जो मिस्टर पिक की वाइफ है उसका क्या नाम है, मिस गैलरी, यहाँ पे आप लोग चाहो तो लिख लो इस लेडी का नाम क्या है, गैलरी, ठीक है। कौन है मिस गैलरी, गैलरी
She's wife of Mr. Pick. Elias, my mom is going to tell. नहीं, gallery is what? Copy में इसको आप जरूर लिखे. Gallery is the storehouse of picture. जैसे album में हम लोग picture रखते हैं, उसी तरह writer में gallery में सारा picture होता है. To open gallery, click on tools menu gallery option. A gallery will open up with picture related to different styles. A gallery will open with pictures related to different styles. इस तरह से gallery खुलेगा. Tools menu gallery option में आपको जाना होगा. Now inserting objects from gallery, you can insert an object in a document either as copy or as a link. If you copy an object, it is independent of the original object. Changes to the original object have no effect on the copy. If a link is created, it remains dependent on the original object. Changes to the original object are also reflected in the link. चलिए हम लोग करके देखते हैं इस चीज़ को. तो यहाँ पे सपोज हम लोग इसको अभी डिलीट करते हैं इस इमेज को, और यहाँ पे हम लोग कहाँ जाएंगे, टूल्स, टूल्स से हम लोग जाएंगे गैलरी ऑप्शन में. ये हमारा देखिए गैलरी आ गया. अब यहाँ से हमारे पास देखिए, इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे थीम है, बैकग्राउंड, होम पेज, माय थीम, रूल्स, साउंड्स, बहुत सारा है ना, देख सकते हैं आप, बहुत सारा ऑप्शंस है, बुलेट्स है. ठीक है, सपोज़ ये नींबू वाला हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको इंसर्ट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, कॉपी के थ्रू भी, लिंक के थ्रू भी. यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किसके थ्रू कर सकते हैं, कॉपी के थ्रू भी, लिंक भी. डिफरेंस क्या है, कॉपी के थ्रू करोगे तो चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कॉपी, और लिंक के थ्रू करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा. चलिए हम लोग राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी के थ्रू करते हैं, तो आ गया. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, राइट क्लिक कर करके प्रॉपर्टीज़ इसका चेंज कर सकते हैं, पिक्चर में जाके है ना, क्रॉप कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से. ये देखिए बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई नहीं लिया, चेंजेस नहीं होगा. लिंक के थ्रू शायद करें तो हो जाए. एक और हम लोग इंसर्ट करते हैं लिंक के थ्रू. ये देखिए लिंक के थ्रू किए, साइज में चेंजेस हो जाए, पिक्चर्स, ये ऑल बॉर्डर्स है ना, ये ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ओके, देखिए आ गया, इसमें इफेक्ट ले लिया, देख सकते हैं आप. राइट क्लिक करना है, प्रीव्यू भी कर सकते हैं. ठीक है, प्रीव्यू हटा सकते हैं, और भी ऑप्शंस हैं. सपोज इसको इंसर्ट करना है, चलिए कॉपी के थ्रू फिर से करते हैं हम लोग, है ना. ये देखिए कॉपी के थ्रू राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे. पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल आपको दिया हुआ, रेड है, ब्लू है, जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, यू जस्ट पुट ऑन दैट एंड देन ये बॉक्स डिफॉल्ट लाइन अरेंजमेंट में क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे, यू विल सी द इफेक्ट. ये भी है, बहुत सारा ऑप्शन है, यू कैन अप्लाई. इंसर्टिंग एन ऑब्जेक्ट एज ए कॉपी, ओपन द गैलरी बाय क्लिकिंग द गैलरी स्टैंडर्ड आइकन ऑन द स्टैंडर्ड बार और बाय सेलेक्टिंग द टूल्स गैलरी ऑप्शन. Select a theme, select an object using single click, drag the object into the document or right click to open the context menu and select insert and copy. वही चीज़ है यहाँ पे भी, फिर बाद में ड्रैग करके भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं ना चिल्ड्रन. इस तरह से यहाँ ड्रैग किए, देखिए पिक्चर हमारा आ गया है. रूलर्स में जाएंगे, रूलर्स को भी हम लोग ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं, ये देखिए इस तरह है ना. थीम्स में जाएंगे तो थीम्स भी हम लोगों को बहुत सारा मिलेगा, थीम्स ले सकते हैं. होम पेज है, होम पेज में भी बहुत सारा ऑप्शन है. जैसे इसको आप चाहे तो यहाँ ड्रैग करके ला सकते हैं, इसके साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, है ना. राइट क्लिक करके इमेज रैप, कैप्शंस लगा सकते हैं, पिक्चर्स में डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है. चलो Inserting an object as a link, open the gallery by clicking the gallery icon on the standard toolbar or by selecting tools gallery. Select a theme, select an object by a single click. Drag the object into the document by pressing the shift and control clicks. देखिए keyboard से shift और control किस से करते हैं, और right click to open the text menu and select insert and link. एक ही चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं. Inserting an object as a background graphic. Background graphic का भी था option. Open the gallery. Gallery, clicking the gallery icon on the standard toolbar or by selecting the tools or gallery option. Select a theme. Theme में चले जाएंगे, select an object by a single click. एक object को select करेंगे. Open the content view in background.
पेज और पैराग्राफ। चलिए इसको भी करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये हम लोग सेलेक्ट किए, साउंड्स है यहाँ पे, पिक्चर्स है, और ये अगर मान लो बैकग्राउंड में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, राइट क्लिक इंसर्ट बैकग्राउंड पेज। देखिए आ गया बैकग्राउंड में, वो वाला पेज आ गया एज ए बैकग्राउंड। सपोज ये अप्लाई करना है, राइट क्लिक इंसर्ट बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे तो भी आएगा। अगर इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं चिल्ड्रन, जैसे मान लो सपोज इसको एज ए बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, इंसर्ट बैकग्राउंड पेज। देखिए लग गया ना, दिस इज द वे टू इंसर्ट थीम एज ए बैकग्राउंड। एलाइस मिस गैलरी, यू नो आई लव वर्किंग विद ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स, आई एम सो ग्लैड आई मीट यू। सी द गैलरी केयरफुली, अब एक्टिविटी देख लीजिए, इन लिस्ट फाइव थीम्स हुज रिलेटेड पिक्चर्स आर अवेलेबल इन गैलरी। पांच है, देखिए हम लोग के पास मिला ही था गैलरी में। देखिए बैकग्राउंड बुलेट्स, होम पेज, माई थीम, रूलर, साउंड, यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो यू जस्ट राइट, मैंने लिख दिया है एरो बैकग्राउंड बुलेट्स कंप्यूटर डायग्राम्स। इज इट पॉसिबल टू एड न्यू थीम्स इन गैलरी, इफ यस फाइंड आउट द स्टेप्स इन्वॉल्व। तो यस पॉसिबल है, क्लिक ऑन गैलरी आइकन, क्लिक ऑन न्यू थीम ऑप्शन, राइट द नेम ऑफ न्यू थीम, देन सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल यू वॉन्ट टू एड इन द थीम। ओपन द फाइल हैंड्स ऑन यूजिंग द फॉन्ट वर्क स्टाइल एंड द पिक्चर्स फ्रॉम द गैलरी फ्रेम एनी शॉर्ट स्टोरी। फाइल खोल करके स्टोरी आपको लिखना है यूजिंग फॉन्ट स्टाइल्स और पिक्चर्स का, आप तो जान ही रहे हो। नाउ इट वॉज हाफ पास्ट नाइन एंड डार्क आउटसाइड, अंधेरा हो चुका है। द पार्टी वॉज ओवर बट एलाइस वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट अलोन। मिस गैलरी कुड इजली सी द नर्वसनेस ऑन हर फेस एंड सी इन्वाइटेड एलाइस टू स्पेंड नाइट विद देम एट देयर हाउस। लेट्स सी व्हाट हैपन एट मिस गैलरीज हाउस इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रात हो चुका, पार्टी खत्म हो गया, एलाइस इज फीलिंग स्केयर्ड। तो गैलरी बोल रही है चलो मेरे घर में आज रात स्पेंड कर लो। तो इसके बाद का कहानी जो भी स्टोरी है राइटर लैंड में, ओपन ऑफिस राइटर का डिफरेंट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी असेसमेंट एक्टिविटी आप लोग फॉन्ट वर्क पिक्चर्स और जो भी आज हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, इसको देख के आप लोग सॉल्व कीजिए। डिज़ाइन ए लेबल फॉर योर साइंस बुक कॉपी, डिज़ाइन ए मेनू कार्ड ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट, डिज़ाइन ए बर्थडे कार्ड फॉर योर फ्रेंड, डिज़ाइन द कवर पेज ऑफ एनी स्टोरी बुक, मेक एन अट्रैक्टिव बुक। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।